कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं डॉक्टर इरफान अंसारी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और आज ईडी एक बार फिर से उनसे पूछताछ करेगी। खरीद फरोख्त मामले में ईडी उनसे पूछताछ करेगी। कांग्रेस विधायक की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। आधार है और आप सब जानते हैं कि सामने सामने ऊपर 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 नहीं है, सरकार हमने बनाया है तो सरकार हम क्यों गिराएंगे। तो जो भी आरोप जिसने लगाया है मैं उनसे कहूँगा कि हम लोग नफरत छोड़ो, भारत जोड़ पे विश्वास करते हैं और जिसने नफरत लगाया हमारे पर जिनको नफरत है मैं उनसे भी कहूँगा अब ये काम छोड़ दीजिए। और जिस तरह की घिनौना आरोप मुझ पर लगाया गया वो तो हाईकोर्ट ने कोर्ट था मेरे साथ, लेकिन आपके साथी विधायक तो आपको मास्टरमाइंड बता रहे हैं इरफान जी। बताइए इस पूरे क्या बता रहे हैं आगे। तो मैंने कहा कि वो राजेंद्र बाबू का बेटा है लेकिन लगता नहीं, थोड़ा सा मैं उनको सदबुद्धि दे उनको मैं कहूंगा। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रांची से हमारे साथ राकेश कुमार जुड़ गए हैं। राकेश, ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, ईडी आज फिर उनसे पूछताछ करेगी। इससे पहले भी पूछताछ की जा चुकी है लेकिन उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, इसलिए ईडी आज फिर से उनसे पूछताछ करने वाली है। जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई हो रही है और ये जो पूरा मामला है ये कोलकाता में विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला था, कैश कांड में कहीं ना कहीं इनके पास से जो राशि बरामद हुई थी उसके बाद से ये मामला चल रहा था। तो ऐसे में ईडी की टीम तहकीकात कर रही है कि आखिर जो इतनी बड़ी रकम बरामद हुई थी और इसके साथ साथ इसमें जो बातचीत सामने आई थी जिस तरीके से अनूप सिंह ने FIR दर्ज कराया था और उसमें जिक्र किया था, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या क्या उद्देश्य है, क्या सच में खरीद फरोख्त में बड़ी राशि की लेन देन हुई है, इन सारी चीजों को लेकर ईडी की कार्रवाई जारी है। और फिलहाल ईडी दफ्तर में इरफान अंसारी से पूछताछ जारी है और हो सकता है कि देर शाम तक पूछताछ के बाद पता चल पाएगा कि आखिर इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा है और आगे क्या कुछ प्रक्रिया होने वाली है। पिछली बार भी जब इन्हें पूछताछ के लिए तलब किया गया था तो वो ये वहां पर नहीं पहुंचे थे, इस बार जब पूछताछ होगी तो क्या कुछ ईडी की तरफ से सवाल रखे जा सकते हैं, क्या कुछ पूछताछ में हो सकता है आज?